हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमैनिटी के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम कैंसर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किए थे, सिर्फ कैंसर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी थोड़ा एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, और सिर्फ एनसीईआरटी को भी हम पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी इम्यूनिटी के बारे में लिखता गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज काजिंग माइक्रोब। एनसीईआरटी कहता है होस्ट की वह एबिलिटी जो डिजीज काजिंग माइक्रोब से लड़ सके या लड़े। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स मतलब पैथोजन, और पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन कुछ भी है, उससे लड़ने के लिए जो होस्ट के अंदर जो एबिलिटी होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक इननेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड। इन्नेट मतलब होता है जन्मजात, ऐसी इम्यूनिटी जो जन्मजात हो एट अ टाइम ऑफ बर्थ, इन्नेट कोई कौन जेनरेटर भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद आदमी ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो अचीव करता है इम्यूनिटी, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और इन्नेट इम्यूनिटी जो जन्मजात इम्यूनिटी रहती है उसे इन्नेट या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। यह नॉन स्पेसिफिक होती है, इनेट इम्यूनिटी जैसे कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक होती है और प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब जन्म से ही रहती है। प्रोवाइड बैरियर, इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड बैरियर प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड 4 टाइप ऑफ बैरियर, तो इम्यूनिटी हमने देखा कि होस्ट के अंदर वही एबिलिटी जो डिजीज का माइक्रोब से लड़ सके उसे इम्यूनिटी कहते हैं। 2 टाइप्स की होती है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट को कौन जेनरेटर भी कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होता है जो एट ए टाइम ऑफ बर्थ, और ये हमें बैरियर प्रोवाइड करता है, होस्ट को बैरियर प्रोवाइड करता है। और ये 4 टाइप के होते हैं, देख लीजिए। पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा साइटोकाइन, चौथा इंटरफेरॉन्स। सेलुलर और साइटोकाइन 4 टाइप का बैरियर। इसी में पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगा। देखिए फोर टाइप के बैरियर हमने बताया, इननेट और कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, ऐसा इम्यूनिटी जो जन्मजात हो। ये बैरियर प्रोवाइड करता है, पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एग्जांपल के लिए सबसे पहला आता है स्किन, पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, उसके अंदर इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एग्जांपल के लिए आता है स्किन, ये है मेन बैरियर।
सबसे पहले कोई भी पैथोजन या कोई माइक्रोब्स अगर बॉडी में इंटर कर रहा है तो उसे स्किन से मुलाकात होगी, इसीलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, स्किन मेन बैरियर। ये क्या करेगा, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। स्किन मेन बैरियर है जो प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। उसके बाद दूसरे नंबर पे रिस्पायरेटरी यूरो जेनाइटल, रिस्पायरेटरी और यूरोजेनाइटल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, रिस्पायरेटरी यूरोजेनाइटल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकस कोटिंग ये भी करता है हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिजिकल बैरियर को हम देख ले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, पहला एग्जांपल स्किन है जिसे मेन बैरियर कहते हैं, ये भी ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। दूसरे नंबर पे जो ट्रैक्ट है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, दूसरे नंबर पे आता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और तीसरे नंबर पे आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें इसके अंदर अंदर जो म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है वो भी ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। अब इसके बाद अगले नंबर पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल। देखिए तो पहले बारे पढ़ा स्किन, दूसरे नंबर पढ़ा यूरोजेनाइटल रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एग्जांपल, दूसरे नंबर पे फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर में सिर्फ एग्जांपल पढ़ेंगे, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, अ टीयर इन आई। स्टमक के अंदर जो एसिड HCl होता है, HCl और सलाइवा इन माउथ के अंदर जो लार बनता है और आंसू टीयर इन आई, वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है। ये तीनों क्या करते हैं, प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। इसी रहे वैसे भी माइक्रोब नहीं कोई ग्रो करेगा, लाइसोजाइम कह रहे हैं, सलाइवा में भी नहीं कोई ग्रो कर सकता है, ये भी एसिडिक और आंसू में भी टीयर्स में। तो एक दो फिजिकल हो गया, दूसरा फिजियोलॉजिकल, फिजिकल बताया स्किन, दूसरे नंबर पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक और यूरोजेनाइटल ट्रैक, दूसरे नंबर फिजियोलॉजिकल बड़ा एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर इन आई जो प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अगला देखिए तीसरे नंबर पे सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या था, क्या क्या आता है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स
WBC, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इसे कहते हैं WBC, लाइक PMNL, लाइक PMNL न्यूट्रोफिल्स, PMNL का फुल फॉर्म पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट मतलब WBC लाइक PMNL न्यूट्रोफिल्स जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स। अब बहुत सारे मोनोसाइट मिला के जाइंट बनाते हैं जिसे कहते हैं मैक्रोफेज। ऐसा फैगोसाइट्स करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तुमने सेलुलर बैरियर में बताया कि सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट जैसे WBC इसके अंदर जैसे लाइक PMNL न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स फैगोसाइट। उसके बाद बताया जो मोनोसाइट होता है इसका जो अब बड़ा रूप है जॉइंट फॉर्म है वो मैक्रोफेज या फैगोसाइटोसिस करता है। सब बैरियर हैं जो सुरक्षित कर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक है नेचुरल किलर, नेचुरल किलर ये भी एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है, टाइप ऑफ टाइप। अब जब ब्लड पढ़ेंगे कंप्लीटली तो उसमें न्यूट्रोफिल ये सब चीज समझ में आएगा। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो एक नॉन नेचुरल किलर सेल भी कह सकते हैं और ये नॉन फाइगोसाइटोसिस नॉन फाइगोसाइटिक सेल। फाइगोसाइटोसिस नहीं करता है लेकिन पैथोजन या माइक्रोब्स के अंदर बॉडी में छेद कर देता है, परफोरेशन इन एंटीजन बॉडी। परफोरेशन इन पैथोजन बॉडी। सेलुलर बैरियर में पढ़ा हमने सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC लाइक PMNL न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। फिर मोनोसाइट पढ़ा उसका जो जॉइंट फॉर्म है मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस कर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को। वो पढ़ा नेचुरल किलर सेल जो एक नॉन फैगोसाइटिक सेल है और टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। फैगोसाइटोसिस तो नहीं करता लेकिन पैथोजन के बॉडी में परफोरेशन मतलब छेद कर देता है, परफोरेशन इन पैथोजन बॉडी। और परफोरेशन होने के कारण बॉडी में उसके वाटर आ जाता है, वाटर आने के बाद स्वेलिंग, स्वेलिंग होने के बाद बस्टिंग हो जाता है, उसके बाद डेथ हो जाता है। तो इतना था सेलुलर बैरियर। आगे देखिए चौथे नंबर पे साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या बताता है एनसीईआरटी देखिए, जब कोई वायरस वायरस इन्फेक्टेड सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट प्रोटीन दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट प्रोटीन
बिल्कुल इंटरफेरॉन मतलब किसी नॉर्मल सेल पे वायरस इन्फेक्ट किया तो जो सेल होगी वो एक प्रोटीन का सेक्रेशन करेगी जिसे इंटरफेरॉन करेंगे। और ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है कि अगर कोई किसी नॉर्मल सेल में वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो जो सेल होगी एक प्रोटीन का सेक्रेशन करेगी जिसे इंटरफेरॉन करेगी। वो इंटरफेरॉन जो उसके सराउंडिंग में अगल बगल में जो नॉर्मल सेल है उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे बचाएगा। लेकिन प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। और ये क्या करता है, एक ये जो सेल होती हैं, ये जो सेल होते हैं एडजेसेंट सेल व नॉन इन्फेक्टेड सेल, जो ये नॉन इन्फेक्टेड सेल होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं टी आई पी ट्रांसलेशनल इनहिबिटरी प्रोटीन। जिससे फर्दर इन्फेक्शन होने से बच जाता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। साइटोकाइन बैरियर के लिए एक नोट है, यह स्पीसीज स्पेसिफिक है, मतलब वायरस के लिए है स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरल स्पेसिफिक। मतलब क्या है इसका, स्पीसीज स्पेसिफिक है मतलब इसमें वायरस ही, साइटोकाइन बैरियर स्पेशली वायरस वाले स्पीसीज के लिए है, लेकिन बट नॉट वायरल स्पेसिफिक मतलब कोई एक ही टाइप का वायरस नहीं, जितने भी वायरस इस पे अटैक करेंगे सब के लिए यही प्रक्रिया होगा। सेम स्पीसीज वायरस होगी लेकिन वायरस में कौन सा स्पीसीज का वायरस है उस पर नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। स्पीसीज स्पेसिफिक होगा बट नॉट वायरल स्पेसिफिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए अगले नंबर पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो अचीव करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, दैट इम्यूनिटी अचीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम बेस्ड ऑन मेमोरी। इम्यूनिटी मेमोरी पे बेस्ड होती है, जैसे फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन एक्सपोजर किया बॉडी में, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर ऑफ पैथोजन, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर ऑफ पैथोजन जब मतलब पहली बार एक्सपोजर हुआ उस पैथोजन का, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स करेगी, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। इस वाले पैथोजन के लिए जो पहली बार किया है अभी उस बॉडी के लिए नया है तो उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब यही सेम पैथोजन
इनकाउंटर सेकेंड टाइम, तो इस रिस्पांस को कहते हैं सेकेंडरी रिस्पांस। और ये बहुत हाईली इंटेंसिफाइड, बहुत तेजी से क्विक काम करता है, हाईली इंटेंसिफाइड। और इसको कहते हैं एनाम्निस्टिक रिस्पांस, जबकि प्राइमरी रिस्पांस लो इंटेंसिफाइड। इसके पीछे रीजन है, जैसे पहली बार किसी पैथोजन का एक्सपोजर या इनकाउंटर हुआ बॉडी पे, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसे अभी नहीं देखी है, उसका कोई मेमोरी सेल या उसका कोई मेमोरी नहीं बना हुआ है इम्यून सिस्टम के पास, तो बहुत धीरे काम करेगी इम्यून सिस्टम, मतलब लो इंटेंसिफाइड। लेकिन जब सेम पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी पे इनकाउंटर करेगा, तो उसके पास इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी बन जाती है, जिससे बहुत क्विक रिफ्लेक्शन दिखाता है और बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स दिखाता है, तो उसे कहते हैं हाईली इंटेंसिफाइड या एनाम्निस्टिक रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, लो इंटेंसिफाइड, हाईली इंटेंसिफाइड, कैरीड आउट टू टाइप्स ऑफ सेल, जिसे एक को कहते हैं बी सेल, इसी का एक को कहते हैं टी सेल। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन मेमोरी तो बता दिए, लेकिन ये स्पेसिफिक होते हैं, जबकि इननेट या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये इम्यूनिटी डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, मतलब ये इम्यूनिटी अपने और पराये का में पहचान रखती है और डिस्क्रिमिनेट अलग अलग कर देती है, डिफ्रेंशिएट कर देती है। इसका डाइवर्सिटी ज्यादा होता है, डाइवर्सिटी स्पेसिफिसिटी डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक, अच्छा, ये जो रिस्पॉन्सेज बताए, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये जो कैरीड आउट होते हैं दो टू टाइप्स के सेल, बी सेल और टी सेल। अब इसे एक बार में डिटेल पढ़ना है, बी सेल क्या है, टी सेल क्या है। देखिए, टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, एक बी सेल और एक टी सेल। बी सेल प्रोड्यूस करता है बी लिम्फोसाइट, और टी प्रोड्यूस करता है टी लिम्फोसाइट। जिसमें टी जो है रिप्रेजेंट करता है थाइमस, और बी रिप्रेजेंट करता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बी कैसे जो है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो एक सिक्रीट करता है फ्लूड, एक सॉल्युबल मॉलिक्यूल बी लिम्फोसाइट, जिसे कहते हैं आर्मी प्रोटीन, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है सॉल्युबल होता है और प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, मतलब फ्लूड में प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं फ्लूड को कहते हैं ह्यूमर। इसलिए एंटीबॉडी मतलब बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है एच एम आई, जिसे कहते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
या तो इसे कहते हैं AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इसे कहते हैं। एंटीबॉडी सॉल्वल होता है, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, मतलब फ्लूड में प्रेजेंट होता है, उसे नाम देते हैं ह्यूमर, इसलिए प्रोवाइड करता है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट में टी रिप्रेजेंट करता है थाइमस, और ये कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। लेकिन एक अच्छा काम है, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। लेकिन जब बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो उसमें मदद करता है, और इसमें बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, जैसे टी हेल्पर, टी किलर, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, बहुत सारी सेल पाई जाती हैं। ये कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता, ये खुद ब खुद जाके एंटीजन से लड़ता है, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर। ठीक, इस कारण ये तो एक प्रकार की सेल है, इस कारण ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब टी सेल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी सेल प्रोवाइड HMI मतलब ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और एक काम और इसका, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाल के उस पेशेंट में हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट या टी सेल उसको रिजेक्ट करता है। तो इसी कारण ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट के पहले इसलिए उसका टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सब मैचिंग करने के बाद ही ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, और उसके पहले ही, उसके कुछ देर पहले ही उसे पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दी, रिजेक्ट ना कर पाए। एग्जांपल के लिए आप माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, जैसे साइक्लो स्पोरिन है, फंजाइस प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, इसी को लाते हैं, या ड्रग्स आते हैं बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, उसे ड्रग्स दिया जाता है जिससे उसे रिजेक्ट ना कर पाए। अब यहाँ पे जो बताए हैं कि जो बी सेल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस आर्मिया प्रोटीन के कहते हैं एंटीबॉडी, सॉल्वल होता है, प्रेजेंट इन ब्लड बाजों, प्रोवाइड HMI,
ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसी एंटीबॉडी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडी, पांच टाइप के एंटीबॉडी होती है, तीन चार पांच। सबसे पहले आईजीए। सबसे ज्यादा 70-75% आईजीजी और 0-05% आईजीए। इतना याद रखना। ये मोनोमर होता है, डाइमर, आईजीएम पेंटामर, ये भी मोनोमर, ये भी मोनोमर। इसी कारण आईजीएम सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी। अभी एक फंक्शन इसके बारे में देखेंगे। आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, मैं प्रोड्यूस मतलब एलर्जिक रिएक्शन में प्रोडक्ट करता प्रोड्यूस होता है, और आईजीजी प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड एंड क्रॉस द प्लेसेंटा। आईजीजी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्लूइड एंड क्रॉस द प्लेसेंटा, और आईजीए क्या करता है, बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। आईजीजी करता है प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड एंड क्रॉस प्लेसेंटा, आईजीए बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, और आईजीएम ब्लड स्ट्रीम को और ही लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, पेंटामर होता है ना। आईजीडी प्रोवाइड लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, मतलब आई जी एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, आई जी डी प्रोवाइड लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, आई जी जी प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड एंड क्रॉस प्लेसेंटा। 75-80% और आई जी ए बॉडी सरफेस, आई जी एम ब्लड स्ट्रीम, मतलब ए वाला बॉडी सरफेस में, एम वाला ब्लड स्ट्रीम को, डी वाला प्रोवाइड लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, आई जी एलर्जिक रिएक्शन में, और प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड को। तीसरा फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तीन फंक्शन है। पहले नंबर पर जो सबसे पहला फंक्शन है वो है एग्लुटिनेशन। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, और तीसरा है ऑप्शनाइजेशन। ऐसे सुन लीजिए, ये ग्लूटिनेशन में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट होकर एक रिएक्शन करते हैं, एक उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो पहला काम होता है एंटीजन से अटैच होकर एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया है वायरस है कोई भी पैथोजन इंटर किया उससे एंटीबॉडी जुड़ के न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन मतलब कहता है इसमें क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो इंटर किया तो उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग कर देता है, म्यूकस की कोटिंग करने के बाद फैगोसाइटोसिस कर लेता है, प्रमोट फैगोसाइटोसिस। प्रोटीन कोट का एक ऊपर चल जाता है आ जाता है लेयर और ये करता है प्रमोट फैगोसाइटोसिस। और इसमें एक ऑप्सोनिन एंटीबॉडी बनता है। तीन काम है, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को एग्लूटिनेशन फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन में कोई बैक्टीरिया वायरस हो अगर कोई भी मैथोजन अगर इंटर कर जाता है तो उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग चढ़ा दी जाती है और उसे फैगोसाइटोसिस के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी दिया वो उसे बताएंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में सबसे पहले समझेंगे वाई शेप का होता है, वाई शेप का होता है और ईच एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है चार पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है जिसमें दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होता है जिसे शॉर्ट में दर्शाते हैं H2L2 से। यह है स्ट्रक्चर, यहाँ पे है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एक एंटीबॉडी है पूरा उस पर दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एक दो ठीक। और यह हैवी चेन यह लाइट चेन, बीच बीच में डाइसल्फाइड, लेकिन एंटीजन ऑलवेज बाउंड विद एन टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी, दो टर्मिनल है, एन है एक सी, एक दर्शा है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। जो एंटीजन है हमेशा एन टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी पे अटैच होता है और एक एंटीबॉडी के पास दो एंटीजन, एक एंटीबॉडी के पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इसे पैराटोप भी कहते हैं लेकिन इतना जरूरत नहीं याद करना। अच्छा तीन सवाल इस पे बनते हैं, इस फिगर पे टोटल नंबर ऑफ डाईसल्फाइड बॉन्ड चार है, डाईसल्फाइड बॉन्ड इंटर डाईसल्फाइड पूछा है मतलब दो के बीच में, एक ही में नहीं, ये तो एक ही में बन जा रहा है, दो चेन के बीच में जो डाईसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ इंटर डाईसल्फाइड बॉन्ड, तो दो चेन के बीच में एक यहाँ बन रहा है एक दो, एक यहाँ यहाँ चार, तो टोटल इंटर डाईसल्फाइड बॉन्ड चार, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंट्रा डाईसल्फाइड बॉन्ड मतलब एक ही चेन में डाईसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है वो कितना है, तो एक दो तीन चार यहाँ, एक दो तीन चार यहाँ, एक दो तीन चार यहाँ, चार थी यहाँ बारह, और टोटल डाईसल्फाइड बॉन्ड पूरे में 16। अगर ये पूछा जाए टोटल इंटर डाईसल्फाइड वाली हैवी चेन तो हमेशा दो बताएंगे, ये वाला हैवी चेन दो, और टोटल इंटर डाईसल्फाइड वाली लाइट चेन में एक यहाँ दो। तो इस प्रकार से एंटीबॉडी भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले नंबर पे हम बताएंगे आपको लिम्फोइड आर्गन के बारे में, फिर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, उसके बाद एल्कोहल ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके।